हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन संकट के बीच में मध्य सरकारी कोटे की MBBS सीटों की संख्या कम है, इसको लेकर सारे देश में बहस है। ग्वालियर के गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में इस साल 100 सीटें बढ़ सकती थी, लेकिन महाविद्यालय प्रबंधन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और पुराने चिकित्सा महाविद्यालय को ये सीट मिल नहीं पाई। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड यानी कि MRB की टीम ने गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में MBBS की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचे को अपर्याप्त मानते हुए इसे खारिज कर दिया है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल के लिए इसी समिति ने 100 सीटें बढ़ाने का ढांचा पर्याप्त पाया है। आधारभूत ढांचे में भवन, प्रयोगशाला, चिकित्सकीय एवं गैर चिकित्सकीय स्टाफ शामिल होता है। डॉक्टर समीर गुप्ता का यह दावा है कि अगले कुछ महीने में वो NMC निरीक्षण के लिए सभी कमियों को दूर कर लेंगे। हमारे पास हॉस्टल की कमी नहीं है, हॉस्टल नए बन गए हैं और इतने मरीजों की जो 250 मरीज अगर हर साल भर्ती होंगे उसके हिसाब से हमारे पास सुविधा पूरी है। पहले भी बड़ी है, 150 से 180 हुई, फिर 180 से 200 हुई और अब की बार हम कोशिश में लगे हैं कि 200 से 250 हम कर लें। फिर वही घोषणा, हम ले 250 बच्चे बढ़ जाएंगे। अरे ले फिर करोगे क्या, उनको कहाँ पे एडमिशन दोगे? आपके पास जगह है कि नहीं है? बच्चे कहाँ पर रहेंगे? ये नहीं सोचना चाहिए। तो जो है उसको आप ठीक नहीं कर रहे हो, नई नई चीजें कर रहे हो।